बिल्ड लिट्ड सस्पेंस ये बेसिकली जो आइडिया है दिस इज़ नॉट टू से यह आइडिया हर मसले का हल है और करंट फॉर्म में ये आइडिया भी जो है ये बाई फार परफेक्ट नहीं है दुनिया के मसाइल को सॉल्व करने के लिए बाई मसाइल आई मीन द लैक ऑफ रिसोर्स एंड द कॉन्सिक्वेंट पावर्टी इन द वल्ड हमने क्योंकि बात की थी ग्लोबल डिवाइड की हमने बात की थी रिगार्डिंग द ग्लोबल कंडीशन ऑफ़ डिप्रेवेशन इंड पावर्टी दैट वी सी इन द वर्ल्ड वेर अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन स्टेट इन अंडीशन जिसको uh, जो है वह बाकी दुनिया जो है जिसके बारे में बैड भी फील करती है मगर ख़ासी वजूहत की वजह से और जिस तरह का बैन अवी निज़ाम बना हुआ है उसमें उन uh, लोगों को मदद करने में मुश्किल भी फील करती है सो असेंचुअली वी गेट अ वर्ल्ड विच इज़ वेरी डिवाइडिड विच इज़ वेरी यू नो यू सी ऑन द वन हैंड यू सी पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ थिंग एंड दैन यू सी पीपल हु डोंट हैव मैटर ऑफ एनी थिंग सो इस सिचुएशन को अड्रेस करने के लिए हम आज एक नए टॉपिक के ऊपर इम्बाक करेंगे कि ये जी तरीका हो सकता है बन सकता है ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ को कैसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हुए दुनिया में जो आ, आ, वसायल की कमी है और जो फ़र्क है अमीर और गरीब मुमालिक में उसको एड्रेस करने का एक ये पोटेंशियल रास्ता है तो हम उस रास्ते को आज एक्सप्लोर करेंगे अब रास्ता क्या है ये रास्ता अगर आपने इकनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने इसका सुना होगा अगर आप टी देखते हैं तो आपने चाहे किसी आ, 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 अगर इंटरनेशनल चैनल को सुना है या अपने ट्रैनल्स को सुना है आपने इस लफ्ज़ को ज़रूर सुना होगा ये आइडिया है फ़ारन इन्वेस्टमेंट का कि एक और मुल्क जहाँ पर ज़्यादा वसायल हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं जिसकी बिजनेस सोफिसिकेटेड हैं वो गरीब ममालिक में इन्वेस्ट करें और जाहिर है जब वो इन्वेस्ट करेंगी तो वो एक रीज़न की वजह से इन्वेस्ट करेंगी एक रीज़न तो ये है कि जो लेबर फोर्स है गरीब मुमालिक में वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होती है uh, मिसाल के तौर पे आप uh, अगर वेज रेट्स uh, को कंपेयर करें तो आपको डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज के वेज रेट्स में एक बिग गैप नजर आएगा सो ऑफ़ फॉरेन कंपनीज फील देफ दे शिफ्ट द प्रोडक्शन प्रोसेसिस टू पोर कंट्रीज देट एक्सेस टू चीप अ लेबर एंडल टू प्रोड्यूस एंड दे केन मेक मोर प्रोफिट ऑफ देट गुड बट उस आइडिया को कैसे तब्दील किया जाए कि ये ही नहीं कि गरीब ममालिक मुमा, के लोग जो हैं वो गरीब ही रहें चाहे वो अपनी फैक्ट्री के लिए काम करें या वो किसी और कारखाने के लिए बैनी कारखाने के लिए काम करें अगर उन्हें वही तनख्वाह मिलनी है तो उसमें उनका क्या फ़ायदा उसमें उनके ममालिका क्या फ़ायदा सो so, हम वेरियस एंगल से देखेंगे कि गरीब चाहते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए आ, गरीब मुमाले के लोग जो हैं उनके लिए हालात बेहतर करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या तब्दीली आनी चाहिए और बैन अवी सतह पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाए ग्लोबल गैप को ड्रेस करने के लिए तो इसमें दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है सो so, ये इशूज़ हैं आज के जिनको हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एक आर्ग्यूमेंट है एक आइडिया है एक कंसान है कि बेसिकली जी गरीब मुमालिक के अंदर प्रमोट करनी चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले हम उस आइडिया को देखेंगे कि जी ये क्यों कहा जाता है कि गरीब मुमालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रमोट की जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका क्या फ़ायदा है मैनी स्कॉलर्स अग्री दट फॉरन इन्वेस्टमेंट्स कैन पोटेंशली हेल्प पोअर कंट्रीज प्रोग्रेस ये सिर्फ जो आपको इकनॉमिक अफेयर से जो रिलेटेड पॉलिटिशन हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को पेश करते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको इकानमस जो हैं वो ये आर्ग्यूमेंट जो है उसको मैथमेटिकल फार्मूला के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड के माहौल को देखते हुए स्टडी करते हुए वो आपको इस तरह की आर्गूमेंट्स पेश करेंगे आपको इंटरनेशनल रिलेशन के भी जो हैं मुख्तलफ एनलिस वो आपको ये इस बात की तस्दीक करके देंगे कि जी इन्वेस्टमेंट जो है पोअर कंट्रीज के अंदर अगर बाहर से होए तो फिर उन पोअर कंट्रीज़ के हालात जो हैं वह बेहतर हो सकते हैं अब वो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है हम उसको देखेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए जिससे हालात और मजीद बेहतर हो सकते हैं हम उन इश्यूज़ को भी देखेंगे चैनलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू इंप्रूव द लाइव ऑफ द पोअर रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स बाय अ रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स टू काउंटर बैलेंस द अर्ज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद द नीड टू अचीव मॉ बेनेवलेंट ग्रोथ सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत अभी हम इस टॉपिक को जब मुख्तलफ़ एंगल से देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज़ नॉट द फैट के जी एक गरीब मुल्क जो है वो एक बाहर की कंपनी को कहे कि जी आए आप हमारे पास तो बहुत सस्ते दामों पर काम करने वाले लोग हैं आप इनको इनके पास तो फिर भी रोज़गारी के मौके नहीं हैं आप इनको रोज़गारी का मौका तो दें आपका भी फायदा होगा आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ते तरीके से बन जाएगा और आप हमें थोड़ा सा बस पैसा दे, दे दें और बात ख़त्म इस तरह के तरीके से तो गुरबत का खात्मा नहीं होएगा। इस तरह के तरीके से तो जाहिर है जो बाहर से कंपनी आएगी बहुत पैसे लेकर वो बहुत से पैसे लेकर बाहर चली जाएगी सो ये तो जो तरीका है ये तो एक तरीका है और ये तरीका ज़्यादातर कन्वीनटली यही इस्तेमाल होता है मगर इस तरीके को कैसे चेंज किया जाए हम उसको देखेंगे अब उसमें एक तो शर्त यह है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कौन से होने चाहिए आगे जाके डिस्कस करेंगे मगर मिसाल के तौर पर जिस तरह के एक्टर्स वर्ल्ड स्टेज पर हमें नजर आते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रो पोअर बनाने के लिए फ्रेंडली टूवर्ड्स द पोअर बनाने के लिए टू हेल्प प्रड्यूस पावर्टी हम एन जी ओज को इस्तेमाल कर सकते हैं हम यूनियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं हम गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन्वायरमेंटल ग्रूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सिविल सोसाइटी रिप्रजेंटेशन के तहत बैन अवी अगर इन्वेस्टमेंट आए तो उसको और प्रिसाइस बनाने के लिए और पोअर फ्रेंडली बनाने के लिए जो माहौल बनेगा जहाँ फिर जिसके तहत इन्वेस्टमेंट आएगी उससे ग़ुरबत मिटाने के जो मेथड हैं वो ज्यादा अच्छी तरह नीगोशिएट होंगे अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों बजाय सिर्फ बस एक हकूमत से दस्तखत चाहिए और देन द कंपनी इज फ्री टू डू इन अ कंट्री वॉट इट लाइक टू डू वो उस सिचुएशन से गुर्बत जो है वो इतनी इफेक्टिवली कम होती हुई दुनिया में नहीं नजर आती सो so बेसिकली ये करने का मकसद क्या है मकसद ये है कि जो एक लास्ट है एक आ, एक किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो आ, डिजायर है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्यों बनती है पैसा कमाने के लिए सो एक कंपनी जो है अगर वो कानून ना तोड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो कंपनी जो है वो जितना मुनाफा कमा सकती है कमाए बिजनेस लोग करते ही इसलिए कि वो पैसा कमाए बैनवानी सतह पर लोग काम इसलिए करते हैं कि पैसा कमाएं वो देर इज नाथिंग रॉन्ग इन वॉन्टिंग टू डू दैट बट अगर उस माहौल के अंदर हमें फिर बैन अवी सतह पर ऐसा निज़ाम नजर आए किड ऑफ़ दर्ल्ड इज डूइंग टेरबली एंड स्मॉल रिचर एंड रिचर दैन वी हैव टू ट्राई एंड चेंज दैट बिजनेस मॉडल यूसी कंसर्न है अब इस कंसर्न के अंदर हमने एक बात यह की है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों अगर ऐसे इदारे भी जिनका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है अगर वो भी इन्वॉल्व हों इन डायरेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स पावर्टी रिडक्शन तो शायद गुरबत का ख़ात्मा जो है वो ज़्यादा आसानी से हो एक तो ये जो इस्कॉल जो बहुत से लोग कंसर्नड इदारे जो इस माहौल को स्टडी करते हैं फ़ॉर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखते हैं ये उनकी तजावीज हैं ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा हूं ये मतलब बैन अवी सतह पर इस इशू के ऊपर बहस होती है और तबसरे होते हैं तो मैं वो सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग फॉरन इन्वेस्टमेंट इन पोअर कंट्रीज एंड हाउट दैट कुडर मोर इफेक्टिवलीज वी द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन दर्ल्डिंग द ग्लोबल डिवाइड सो yeah, basic jo urge hai to make and maximize profit, not only make profit, but to make as much profit as possible. isko basically curb karnakalia. we need to involve different types of stakeholders. not-for-profit organizations, If voice process may involve hongi, so they will try to place a curb on the maximization of profit and try to make growth more benevolent, to make growth more generous. ये ग्रोथ जब होती है अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है मुल्क में तो मुल्क की जो इकानमी है वो ग्रोथ तो करेगी मगर उस ग्रोथ का फिर फायदा तो हो ना फायदा उन लोगों को भी हो जो आ, गरीब हैं फायदा उन लोगों को भी हो जो मेहनत मजदूरी करके प्रोडक्ट को फिजिकली बनाते हैं ठीक है वो कंपनी उनके नाम पर नहीं है फैक्ट्री उनके नाम पर नहीं है वो हाईली ट्रेन नहीं है तो उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो ताकि उनकी ट्रेनिंग बेहतर होगी वो ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे उनकी आमदनी बेहतर होगी सो so, इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग के इशूज इस तरह के बेसिकली बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड के इशूज बेटर वेजेस के इशूज uh, 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 जो हैं दीज नीड टू बी एड्रेस इन द इशू ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि इस तरह की जब इन्वेस्टमेंट हो रही हो बाहर से इन्वेस्टमेंट एक गरीब रिलेटिवली गरीब मुल्क में हो रही हो तो सिर्फ पॉवर्टी इज नॉट दी ओनली कंसर्न दी एनवाइट इज ऑल्सो मेजर कंसर्न बिकॉज लॉट ऑफ रिच कंपनी वेर देर इज एन अबंडस ऑफ नैचुरल रिसोर्स एंड उन्होंने जाकर बिजनेस की खातिर इकोनॉमिक ग्रोथ की खातिर उनकी नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट कर दिया फॉरेस्ट कवर जो है दुनिया में वो बेशुमार जगहों uh, पर फॉरेस्ट कवर जो है वो इतना ज़्यादा डिप्लीट हो गया है कि वो फॉरेस्ट कवर रीजेनरेट नहीं हो रहा दरख्त उतनी स्पीड पे लगते नहीं है जितनी स्पीड से कट जाते हैं और जब वो बेहद जंगलात कट जाते हैं तो वो वही दरख्त जो अपने आ, 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 अपने दरख्त के अंदर से उनके जो बीज जो हैं डिस्पर्स कर कर और दरख्त बनाते थे वो दरख्त ही नहीं रहे सो so, रीजेनरेशन की कैपेसिटी जो है वो डिमिनिश uh, हो गई है एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान के लिए आई मीन इंसान हम तो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्ज्यूट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो uh, जंगलात ही अब्जॉर्ब करते हैं दिस दैट्स इन्वामेंटली फॉरेस्ट कवर को जंगलात के uh, के फैलाव को कार्बन सिंक का नाम दिया जाता है कि कार्बन वहाँ सिंक हो जाता है तो so, सेंट्रली This makes you realize the value of, of forests, for example. And forest ke andar pura ek habitat hota hai. Forest ke andar you have entire species of plant life, not only plant life but living animals. So, ye concerns, jo hain, Benulakwami satapar people are concerned about these issues. They are concerned about the natural world and preserving parts of the natural world. So, ye. Uh, जहाँ पर कॉन्जर्वेशन की बात होती है वहाँ पर इट इज़ वेरी ट्रिकी बिकॉज आई मीन व्हेन यू हैव ओशन और यू व्हेन यू हैव यू नो समथिंग लाइक द इफेक्ट्स ऑफ द लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स जो हैं दे बिकम इलेवेंट सो असेंशली ये इशू जो है फिर इसको टेकल करना कि कौन सा मुल्क किसकी किस चीज की, की जिम्मेदारी ले और पर्टिकुलरली जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही हो ममालिक में तो इस तरह के इश्यूज को हैंडल करना टैकल करना इज़ कॉम्प्लिकेटेड आई मीन वन इज़ नॉट के ये इश्यूज जो हैं टैकल करने आसान है बट हम ये कह रहे हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही हो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी फिर ये देखा जाए कि सिर्फ आ, ये नहीं कि जो ग्रोथ फॉरन इन्वेस्टमेंट के जरिए अगर एक गरीब मुल्क में अगर होती भी है तो उस ग्रोथ के बेनिफिट्स कहाँ जाते हैं क्या वो गुर्बत का खात्मा भी कर रही है वो ग्रोथ एक तरफ और दूसरी तरफ ये है कि वो किस किस्म की ग्रोथ है क्या वो ऐसी ग्रोथ तो नहीं कि वो माहौलियात को बिल्कुल माहौलियात के इश्यूज के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है सो so, इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए ये बहुत सी जो ग्लोबल कंसर्न है इस तरह के इशूज के ऊपर दैट ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस इट ट्राइज टू अगर ग्रोथ की बात पहले कई साल जो कई डेकेट्स के लिए इंसान इस तरह के इशूज के ऊपर सोचते ही नहीं थे दे जी बस पैसा बने पैसा बने दे रीली थिंक really के जी पैसा जो है वो जब पैसा बनने की जो एक्टिविटी है यानी कि ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका बेनिफिट कहाँ जा रहा है अब ज़्यादातर हमें आवाज़ जो है वो ग्रोथ के साथ साथ ये नज़र आती है कि जी ग्रोथ का फ़ायदा जो है वो फिर सारों को हो सब को हो जितना मैक्सिमम उसका जो है आउटरीच ग्रोथ की हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ की उतनी वो ग्रोथ अच्छी है एक ये बात आ रही है बैन अवी सतह पर आवाज़ आ रही है दूसरी तरफ आवाज़ ये आ रही है कि जी ग्रोथ्स जो है वो माहौल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दे इर्द کے ماحول کو ختم کر کے گروتھ کی تو پھر یہ प्लानट ہی نہیں رہنا

चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं और जो हमारे इर्गिर्द फिरती हैं वो अनफेक्टेड रहेंगी वी हैव मेड वेरियस स्पीसीज इनस्टिंक्ट फॉर एग्जाम्पल आई मीन बाय बाय आर इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। सो दीज आर इश्यूज विच डिज़र्व कंसर्न, विच डिजर्व सम अटेंशन अब देखते हैं एक और चीज़ को अब ज़रा थोड़ा सा अगर हम फोकस करें इस आइडिया के ऊपर तो ये आइडिया है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पोअर कंट्रीज़ के अंदर कैसे होती है और जब वो होती है तो अगर पोअर ये कहा जाता है कि जी अक्वामी सतह पर अगर बिजनेसेस जो हैं बाहर के ममालिक बिजनेसेस जो हैं वो आपके मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्ट करें तो उससे आपके मुल्क की बेहतरी होती है तो अब हम उस चीज़ को एक जुमले की शक्ल में देखें अगर उस आइडिया को देखें कि जी हाउ कैन फॉरन इन्वेस्टमेंट एड पोअर कंट्रीज लेट आज नाउ टर्न आर अटेंशन देयर एंड ट्राई टू सी कि जी ये कैसे गरीब ममालिक को फॉरन इन्वेस्टमेंट जो है वो मदद कर सकती है बाहर से अगर पैसा जब आता है एक मुल्क की पुअर मुल्क की इकॉनमी में तो क्या फर्क पड़ता द कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट स्टेट्स डेट फॉरन इन्वेस्टमेंट्स Can help poor countries acquire the technology, management skills, and exposure to market mechanisms which are vital requirements to kickstart economic development. economic arguments have not heard economic arguments, then you will have that the investment encourage is encouraged by the fact that a farm वो एक अमीर मुल्क से आ रही है तो उस अमीर मुल्क के पास टेक्नोलॉजी होती है तो वो जब अगर एक गरीब मुल्क के अंदर आएगी तो वो साथ अपने वो जो फार्म है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करेगी गरीब मुल्क के अंदर गरीब मुल्क के अंदर भी वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी एक ये आर्ग्यूमेंट है दूसरी आर्ग्यूमेंट है कि मैनेजमेंट स्किल्स गरीब ममालिक जो लोग हैं वो उनके पास वो टॉप नाच मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हैं उनको वो तरीके नहीं आते कि बिज़नेस को प्रोडक्टिवली चलाने के लिए कैसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करें आ, एक जो निज़ाम है प्रोडक्शन का उसको कैसे मैनेज किया जाए सो वो जो मैनेजमेंट के तरीके हैं वो आ, जो हैं वो आइडिया ये है कि फॉरेन फार्म जो इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं जिनके पास इतना पैसा है तो उनके पास इतनी स्किल्स भी हैं उनके लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं और उनके पास ये स्किल्स हैं तो वो जब अगर, अगर अपना प्रोडक्शन का बेस कोई गरीब मुल्क बनाती हैं तो साथ वो स्किल्स भी लेकर आती हैं ये फॉरेन फर्म्स और फॉरेन फर्म्स जब ये स्किल्स लेकर आती हैं तो जाहिर है उन्होंने काम तो फिर गरीब ममालिक लोगों से कराने तो उनको भी फिर ट्रेन करते हैं सो मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो पास ऑन कर जाती हैं विद इन पोअर कंट्रीज सो पोअर कंट्रीज़ की कैपैसिटी भी बढ़ जाती है उसके साथ साथ ये है कि फिर जो पोअर कंट्रीज़ के अंदर जब यह चीज़ बननी शुरू हो जाती है तो फिर पोअर कंट्रीज़ में यह शूर आ जाता है कि जी ग्लोबल मार्केट्स कैसी हैं उनका बिहेवियर क्या है वहाँ पर प्रोडक्ट uh, को कैसे लेकर जाना है और फिर वो उस मार्केट मेकेज़म के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो जाती हैं सो दिस इज़ दैट आइडिया कि ये बेसिकली जब ये चीज़ें होंगी एक मुल्क के पास अगर वो ग़रीब मुल्क भी है उसको पता है जी बैन अवी सतह पर जो बैन अवी मंडी जो है मार्केट जो है उसका उतराव चढ़ाव क्या है वहाँ पर क्या चीज़ कैसे बिकती है कैसे उसे मार्केट करना है वहाँ पर अगर ये पता चल जाए और अगर आ, गरीब मुल्क के लोगों में ट्रेंड कैपेसिटी आ जाए और अगर उनके पास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका और टेक्नोलॉजी जो है अगर उनको मिल जाए तो फिर ये गरीब ममालिको हैं वो गरीब नहीं रहेंगे वो उनकी फिर इकनॉमिक डिवेलपमेंट मुल्क का जो इकनॉमिक्स एक, का निज़ाम है वो किक स्टार्ट हो जाएगा शुरू हो जाएगा धक्का लग जाएगा इकानमी को एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट के जरिए फिर मुल्क के अपने भी जो मुख्तल सेक्टर्स हैं वो भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे एंड फिर इकॉनमी जो है वह अपवर्ड स्विंग की तरह तरफ चली जाएगी सो दिस इज द कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि जी फॉरन इन्वेस्टमेंट को जितना ला सकते हैं गरीब मुल्क के अंदर लाए और उसकी वजह से गरीब मुल्क जो है वो गरीब नहीं रहेगा दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट इसकी मैं आपको कमजोरियां और कंसर्न जो है वो कुछ मैंशन कर चुका हूं वेन आई हेव स्पोकन अबाउट दिस आइडिया अभी वी विल लुक एट फ्यू मोर ऑफ दम फ्रॉम सम अदर एंगल्स Developing countries are encouraged by international financial institutions to provide the essential legal, institutional, and physical infrastructure necessary to attract foreign investments. A foreign investment ko ek mulk under andar hi ek mushkil kaam hai. So, I mean, we cannot say that uh, foreign investment karen to log bhag at the door of.

ये प्रॉब्लम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक तरफ कन्विंस करना टू बी मोर पो फ्रेंडली टू बी मोर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिग डील ये आसान काम नहीं है इट इज़ नॉट के गरीब के जो लीडर्स हैं वो तो बेहतरी काम की चाहते ही नहीं है तो प्रॉब्लम इसके फॉरन इन्वेस्टमेंट को मुल्क के अंदर लेकर आना ही इज़ अ बिग थिंग सो चैलेंज है अब चैलेंज जो है उसमें क्या होता है अब बैन अवी सतह पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक है वो बैनवामी सतह पर जो गरीब ममालिक को कर्जे देते हैं इदारे ये इदारे भी गरीब ममालिक को कह रहे होते हैं कि जी आप जितना मैक्मम फॉरन इन्वेस्टर्स को मुल्क में लाएंगे आपके मुल्क के लिए उतना अच्छा है और ये वन स्टेप फ़र्दर जाते हैं ये उन्हीं ममालिक को ये भी कहते हैं कि जी और उनको कर्जे भी देते हैं इस परपज़ के लिए कि आप अपने लीगल सिस्टम्स आप अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम्स को ज़रा तगड़ा करें ज़रा ठीक करें फिर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में आएंगे अब फॉरेन इन्वेस्टर अगर वो देख भी ले कि जी इस मुल्क में तो मिसाल के तौर तो पर अगर एक फ़ॉर इन्वेस्टमेंट की फार्म है उसने को रबर से कुछ बनाना है और रबर प्लान्टशन आपके मुल्क में माहौल ऐसा है कि रबर जो है वो उगाना नहायत ही आसान है तो बेसिकली एक फॉरन इन्वेस्टर का दिल तो करेगा टू कम इंटर कंट्री बट अगर आपके मुल्क में सड़कें ही नहीं है अगर आपके मुल्क में बिजली ही नहीं है तो वो अपना कारखाना आपके मुल्क में कैसे लगाएगा सो देन दैट कंट्री विल बी मोर इंटरेस्टेड कि जी आपका वो जो रबर आपसे उगवाए और रबर आपसे लेकर बाहर ले जाए और अपने ही मुल्क में उसको फिर बनाए उसके जूते बनाए या रोमर्जी करना है तो बेसिकली ये आइडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बहुत ज़रूरी है लीगल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ये भी सारी चीज़ें अगर वो यहाँ आपके मुल्क में आ जाए उसे पता चले कि हर काम कराने के लिए जो है वहाँ पर मुसीबतें हैं देर एज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क डिलेज होती हैं तो इफ़िशेंट जो लोग हैं वो दे वॉन्ट टू गेट दर्क डन एज सोन एज पॉसिबल देरों वॉन्ट के डिलेज हों जाएं हम किसी के दफ्तर में जाके हमें तीन घंटे इंतजार करनी पड़े और वहाँ पे हमें फिर uh, मिन्तें करनी पड़े दैन दे आर नॉट इंटरेस्टेड दे वो ड्रा द गो एल्स वेयर फॉरिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे हैव द रिसोर्स दे कैन ट्राई एंड फाइंड अनदर कंट्री विद दोस्ट मानी दैर सो असेंशली ये सब कुछ करने के लिए ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं सड़कों की जरूरत है लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स की जरूरत है फेरी इट इज इजी टू ब्रिंग इन फॉरेन इन्वेस्टर्स इनटू योर कंट्री सो दे देन ट्राई इन डू समथिंग एंड हेल्प योर इकोनोमी ग्रो एंड ऑब्वियसली मेक देयर ओन मनी बट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन योर कंट्री गिव मनी टू योर गवर्नमेंट कमिंग एंड वर्किंग इन योर कंट्री सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमने दूसरी साइड तो ऑलरेडी देख ली है कि फॉरन इन्वेस्टमेंट जो है वह जरूरी नहीं कि माहौलियात का ख्याल रखे जरूरी नहीं कि गरीब लोग जो हैं उनकी ग़ुर्बत कम हो बट उसके साथ साथ ये फॉरन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वरना फ़ॉर इन्वेस्टमेंट्स आती ही नहीं गरीब ममालिक में सो इट इज़ नाइस टू लोकट बोथ साइड्स ऑफ द पेट्रो येट द कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी नेशनल एक्टिविटीज इन हेल्पिंग डिवेलपोर कंट्रीज रिमेन्स लिमिटेड एक्सेप्टिच अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज वू बेनिफिट आर अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अब मसला ये है कि जब बड़ी मुश्किलों से फॉरन इन्वेस्टमेंट आ भी जाए ममालिक में गरीब ममालिक में तो चंद गरीब ममालिक के अलावा ये एक्चुअली दुनिया के इंटरेक्शन uh, को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के वाकई ही इन मुमालिक गरीब मुमालिक में आने के एक्सपीरियंस को देखते हुए ये कहा जाता है कि जी चंद मुमालिक हैं हैंडफुल ऑफ रिसोर्स रिच कंट्रीज जहाँ की रिसोर्स बहुत रिच हैं चाहे वो मुल्क गरीब हैं वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने आके वाकई ही उनकी इकानमीज़ को हेल्प किया है मगर उसके अलावा बाए एन लार्ज जो पोअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक तो फ़ॉरन इन्वेस्टमेंट ही लाना बहुत मुश्किल है एंड अगर आ भी जाए फ़ॉर इन्वेस्टमेंट तो उसका जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर या सरकारी सतह पर रह जाता है जिनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं फ़ॉर इन्वेस्टर्स से कि वो उनके मुल्क में आकर काम करें और दूसरा ये है कि वो ज़्यादातर पैसा जो है वो बाहर चला जाता है क्योंकि वो कंपनीज आती हैं वो सस्ते दामों में काम कर हैं और सस्ता प्रोडक्ट बना के उसको बाहर बैन मार्केट में उन्हीं दामों पर बेचती हैं जो अगर वो अपने मुल्क में बना कर बेचती हूँ अपने मुल्क में वो ज़्यादा महंगा बिकता है क्योंकि वहाँ के मज़दूर जो हैं उनकी तनख्वाह ज़्यादा है तो यहाँ के मज़दूर को फिर क्या फ़ायदा सो ये एक एक्सपीरियंस है अब इसके बेसिस के ऊपर बहुत सी تنقید بھی ہوئی ہے ریفارمز بھی ہوئی ہیں اداروں نے بھی شور مچایا ہے बैन अवी सतह पर भी इदारों ने बात की कि जी अगर गरीब ममालिक में आकर काम कराना है तो यहाँ पर जो आ, लोग हैं उनके ख्याल आ, के लिए ज़्यादा फ़ॉर इन्वेस्टमेंट को कंसर्न होना चाहिए माहौलियात के लिहाज से भी ज़्यादा ऐशूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए वरना फिर फ़ॉन इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ही क्या अगर इन्वामेंट का कंसर्न नहीं है और वर्कर्स को बेटर डील नहीं मिल रही तो फिर फ़ॉर इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स पोअर कंट्रीज़ को कैसे हैं So these are issues that have to be considered if we are looking at the idea of foreign investment and its role in poverty reduction in poor countries. Partnership with supranatural agencies, like the World Bank or the UN system, has inculcated a sense of social responsibility in multinational organizations. Now, World Bank and UN system, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज भी करते हैं ग़रीब ममालिक को कहते हैं उनकी से होती है वहाँ पर तो ये उन को कहते हैं कि जी आप हमारे आ, अगर आप हमारे मशवर मांगे मानें तो आप बैन अवी सतह से जो बिग बिजनेस है जिसके पास पैसा है उसको दावत दें अपने मुल्क में कि वो आकर काम करें तो उस काम को प्रमोट करने के लिए फिर बैन अवी सतह पर ये जो इदारे हैं ये फिर उन बिग बिजनेसेस के साथ भी रबता रखते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप अगर गरीब मुल्क में जा रहे हो तो वहां पर आपका फिर एक फर्ज भी बनता है कि अगर आपकी आपकी आमदनी बढ़ रही है आपका फायदा हो रहा है तो उस मुल्क में माहौल का ख्याल रखें उस मुल्क के जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को आप इंश्योर करें आप ये नहीं कि जितना वो सस्ता आपको बना दे रहे हैं कोई प्रोडक्ट आप उतना ही सस्ता बनाएं आप मतलब थोड़ा सा उनको कुछ सहूलियत तो फराहम करें ना कि उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है उससे मुल्क को की इकानमी को, को फायदा हो प्रमानेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट विच लेड टू आर्टिकुलेशन ऑफ द मिली डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज द प्रपोज्ड मार्शल प्लान फॉर अफ्रीका हैव एक्सप्लिस एम्ड टू कोलेबरेट क्लोसली विद मल्टी टू हेल्प फॉर कंट्रीज डिवेलप बैन अवी सतह पर दो तीन जो मेजर एफर्ट्स नज़र आते हैं वो एक एफर्ट ये है कि यू एन का एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट हुआ था ग्लोबल कम्पैक्ट में बेशुमारमालिक ने मजारिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव साइंड ऑन टू द आइडिया ऑफ द मिलीम डिवेलपमेंट गोल्स मिलेम डिवेलपमेंट गोल्स हैं बेसिकली माहौलियात और डिवेलपमेंट ह्यूमन डिवेलपमेंट के इशूज़ की जी Uh, uh, access to water, safe water, access to uh, basically uh, a stable income, a reduction in poverty, uh, access to health facilities, access to education, the millennium development goals, and a millennium charade, So let's try and make the world a more uh, equitable place. so uski, uh, jo goals, की आर्टिकुलेशन है वजाहत जो है ये यूएन के ग्लोबल कॉम्पैक्ट के जरिए हुई है इसके साथ साथ एक मार्शल प्लान फॉर अफ्रीका बना है दिस इज़ अ रीसेंट एफर्ट आपको मार्शल प्लान का लफ शायद याद हो बिकॉज दिस इज़ अ प्लान मैंने इसको पहले भी मैंशन किया था कि मार्शल प्लान वॉज इनिशली यूज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट वॉज यूज बाई अमेरिका टू हेल्प यूरोप रिकन्स्ट्रक्ट जो यूरोप में मैसिव डिक डिस्ट्रक्शन हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस डिस्ट्रक्शन को के को ही यूरोप को हील करने के लिए एंड रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए मार्शल प्लान बना था एंड इट वॉज सक्सेसफुल बिकॉज यूरोप यू कैन सी वे यूरोप स्टैंड नाउ यू नो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड मार्शल प्लान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसी तरह का अब एक मार्शल प्लान बना है फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका क्योंकि अफ्रीका में आई मीन डिजीज लाइक एड्स इंटरकम्यूनल टेंशनस जेनोसाइड स्टार्वेशन ये इश्यूज जो हैं ये बहुत ट्रैजिक किस्म की प्रोपोर्शंस में अफ्रीका में नज़र आते हैं सो so, अफ्रीका की हिस्ट्री भी कॉलोनियलिज्म की वजह से अफ्रीका जो है वो दुनिया में बहुत पीछे रह गया सो so, अफ्रीका को अब एक दुनिया में एक सतह पर लाने के लिए एक ये नया प्लान बना है मार्शल प्लान फॉर अफ्रीका के नाम से एंड इस तरह के जो प्लान हैं इन में भी इतराफ़ है कि जी फॉरन इन्वेस्टमेंट एक तरीक़ाकार है एक ज़रिया है जिसकी वजह से बनवामी सतह पर जो गुरबत में जो कंट्रीज़ बहुत ही बुरी तरह सफ़र कर रही हैं रबत के फिनिना से उनको गुर्बत से निकाला जा सकता है उनकी जो इकानमीज़ का जो बुरा हाल है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय इन्वेस्टिंग फॉरन मनी इन टू देर इकोनमीज सो ये इस तरह के प्लान जो हैं दे टॉक अबाउट फॉरन इन्वेस्टमेंट बट दे टॉक अबाउट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉरन इन्वेस्टमेंट ऐसी फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं जो उनके माहौल को और डिग्रेड कर दे ऐसी फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं जो सिर्फ उनके चंद इंपॉर्टेंट लोगों की जेबों को भरे सो इट इज फॉरन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड It is foreign investment that is pro poor. So essentially, these ideas which are foreign investment, ke lihaz se ye mein ab, aapko nazar And you will have to do it in a If you to in all you have to do is type in the Marshall Plan for Africa on the internet, on some search engine, and you will get thousands and thousands of documents. रिगार्डिंग इट एंड न्यूज पेपर आर्टिकल एंड सिमिलरली फॉर दिलीनियम डेवलपमेंट गोल नाव वी हैव लुकड आइडिया ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड वी हैव सीन के बैन अवी सतह पर इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है मगर इसके बावजूद कुछ कंसर्नस हैं कुछ कंटेंशन हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट के बारे में जिनको हमें देखना चाहिए because yeh na ho ke foreign investment Dunya may increase hojai and it does nothing uh, to improve the situation of the world. So these are the concerns and the contentions that have to be kept in mind when channeling foreign investment, not only in rich countries but also in developing countries, where foreign investment are So, ye, contentions concerning foreign investment.

आप सिर्फ जहन में यही नेगेटिव चीज रखें नेगेटिव चीज की शनाख्त जो है वो इसलिए होती है कि आप फिर उस नेगेटिव चीज को बाईपास कर सकें या आप उस प्रोसेस को ऐसे निगोशिएट कर सकें कि नेगेटिव चीज का इंपैक्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाए सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट क्रिटिसिजम टू लुक एट तनकीद टू इम्प्रूव अचुएशन तो इसलिए हम फॉरन इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को सिर्फ हम उसको कट डाउन हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो अभी कहा है कि बैन अवी इदारे इसको प्रमोट कर रहे हैं हम सिर्फ उन बैनवामी इदारों की ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली एंड बाकी जो सोच है इस आइडिया के बारे में उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि फ़ौर इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रिकी चीज़ है एंड फ़ॉर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को नगोशिएट करना लाजमी है वह लाजमी क्यों है बिकॉज ऑफ दिज कंसर्न कंसीडिंग द यूटिलिटी ऑफ मेकिंगजम मॉर इंक्लूसिव एंड प्रो पोअर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिन इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो है सीरियसली एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज वेद वेरी पोअर वर्क अब एक तरफ यह है कि हम इस चीज को आ, अगर हम मान भी लें और मानना मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है दुशवार चीज़ नहीं है ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि कैपिटलिज्म का आइडिया जो है या प्रॉफिट बनाने का जो आइडिया है वो बहुत बेहतर हो अगर वो जो प्रॉफिट बन रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है उसका बनेवलेंट यूज़ हो उसका अच्छा यूज़ हो अच्छा यूज़ इस तरह हो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा फेयर हो ज़्यादा एक्वटबल हो उससे फिर यह है कि गुर्बत का खात्मा होगा गुर्बत कम होगी दिस इज कॉल्ड मेकिंग कैपिटलिज्म मोर इंक्लूसिव रादर दैन मोर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव होगा कैपिटलिज्म तो ये होगा कि कम लोगों के पास ज्यादा फायदा होगा इंक्लूसिव होगा तो ज़्यादा लोगों के पास फायदा होगा चाहे वो फ़ायदा फिर आ, जो है वो अगर सौ रुपया बच रहा है तो अगर उसको दो लोग लेंगे उन्हें पचास पचास रुपया मिलेगा अगर दस लोग लेंगे तो दस दस रुपया मिलेगा सो so, शायद मुनाफा कम हो जाए मगर उसकी स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिवनेस ये को रॉकेट साइंस नहीं है कोई हम मैथमेटिकल इक्वेजनस की बात नहीं कर रहे इट्स कॉमन सेंस तो ये बेसिकली एम्फोसिस है टू ट्राई एंड मेक द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म मोर इंक्लूसिव ये फलसफा है उसका सो so, एक ये फ़लसफा है मगर उसके साथ साथ फिर देखा जाता है कि बैन अवी सतह पर क्योंकि इतने लेयर्स हैं इतने लेयर्स हैं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं आ, इंट्रा गवर्नमेंट की ट्रेड रिलेशंस हैं आ, फिर बिग बिजनेस का अपना पॉलिटिकल क्लाउट है सो इन सारी चीज़ों की वजह से ये देखा जाता है कि नतीजोतान अगर आप फॉरन इन्वेस्टमेंट को एक टिपिकल गरीब मुल्क में देखें तो उसके कारखाने के अंदर जो गरीब वर्कर काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास फर्क नहीं आता कि वो फैक्ट्री जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लगी है या लोकल इन्वेस्टमेंट से लगी है सो ये एक जो खदशा है इसको जहन में रखना पड़ता है इसलिए कहा जाता है कि फ़ॉर इन्वेस्टमेंट के मेकनिज़म में तब्दीली लाना ज़रूरी है ताकि इट बिकम्स मो प्रोपोर

इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत से गरीब लोग भी काम कर रहे होते हैं अनऑफिशली वो किसी इदारे के लिए काम नहीं कर रहे होते वो चाहे कॉटेड इंडस्ट्री या अपने ओन पर वो छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब बैन इन्वेस्टमेंट हो तो बड़ा ट्रिकी माहौल हो जाता है यहाँ पर फिर तनकीद वगैरह जो है वह ज़्यादा होती है और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि गरीब लोगों की आमदनी जो है वो थ्रेटन हो जाती है और ये सेक्टर्स हैं मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्री ये सेक्टर है मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर ये सेक्टर है मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल्स अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन इश्यूज के अंदर ये कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन इश्यूज के अंदर जब फॉर इन्वेस्टमेंट हो तो यहाँ पर पर्टिकुलर केयर हैज़ टू बी टेकन के जो गरीब लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी आमदनी ना छीनी जाए सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है फॉर डायरेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पुअर कंट्रीज मोर प्रोडक्टिवली व्हेन मल्टी नेशनल सेटअप प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज और व्हेन स्मॉल फार्म्स और इट ऑफ्टन लीड स्मॉलर बिजनेस टू शट डाउन अब होता यह है, है कि अगर बैनवामी सतह से कोई मल्टी कंपनी आएगी विद मच मोर इन्वेस्टमेंट मच मॉर टेक्नोलॉजी एंड वो अपना ऑपरेशन सेटअप करती है या कोई लोकल कंपनी उसके साथ अपने ऑपरेशन को टाई कर लेती है तो अगर टेक्नोलॉजी उसके पास ज़्यादा होगी तो टेक्नोलॉजी क्या करती है टेक्नोलॉजी जो है वो जो आपकी ह्यूमन uh, रिसोर्स की इम्पोर्ट है उसको कम कर देती है तो लोगों की कम बनस्पता जरूरी ज़रूरत होती है विजवी टेक्नोलॉजी सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट in, uh, अगर ज्यादा होएगी तो इंसानों की इतनी ज्यादा ज़रूरत नहीं होती ये एक टेक्नोलॉजी के बारे में बल्कि سطح है کہ ہم سارے पर के हम सारे टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं मगर शायद टेक्नोलॉजी इट्सल पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ एग्जिस्टिंग इन दर्ल्ड टेंट्स टू डिसप्लेस लेबर एंड जब लेबर डिसप्लेस होता है तो फिर आमदनी के जरिए काम होते हैं और उससे गुर्बत बढ़ जाती है दैट डजन मीन टू थे कि जी कोई आपको मशीन नजर आए तो आप उसको तोड़ दें हस्पताल में जाके मशीनें तोड़ दें मतलब हम ये बात नहीं कर रहे हैं जाहिर है बट अगर आप इसके फलसफे में जाए तो ये कहा जा सकता है कि उस तरह की टेक्नोलॉजी जो लेबर को रिप्लेस कर रही हो उस तरह की टेक्नोलॉजी उसका कोई और स्पेसिफिक टेक्निकल फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि इंसान खुद नहीं कर सकता तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने की इतनी जरूरत नहीं है लेट अस ट्राई टू मेक टेक्नोलॉजीज वेयर दैट फैसिलिटेट ह्यूमन बीइंग्स दैट रादर देन रिप्लेस देम। सो ये तो टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया आ गया अब अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आइडिया के, के पास फिर आए तो ये देखा गया है कि गरीब ممالک में कई बार जब मल्टी आती है या अगर लोकल कंपनी मल्टी के साथ ताल्लुक करती है तो वो डायरेक्टली कंपटीशन में आ जाती है विद द स्मॉलर प्रोड्यूसर्स जो गरीब लोग छोटे मोटे कारखाने लगा कर काम कर रहे होते हैं और, और गरीबों को उन्होंने हायर किया होता है वो कम्पीट ही नहीं कर सकते बैन अवी इदारे के साथ तो उनकी बिज़नेस ठप हो जाती है तो जाहिर है जब ये होएगा अगर स्मॉल बिजनेस अफेक्ट होएगी बिकॉज ऑफ मल्टी तो फिर गुर्बत जो है वह बढ़ेगी क्योंकि छोटी बिजनेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं एंड अगर उनको नुकसान पहुंचेगा उनके अगर काम को कोई अगर नहीं खरीदेगा और लोग उनके पास नहीं जाएंगे तो फिर उनके पास आमदनी के जो मौाक़े हैं वो कम होएंगे। एंड मल्टी मल्टीनेशनल जो है वो बहुत सारी स्मॉल कॉपोरेशन को अफेक्ट कर सकती है दैट इज़ व्हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक कंसान है वेन इट कम्स टू दी ईशू ऑफ पावर्टी के हाउ फॉरन इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज पावर्टी ये हमें एक कंसर्न जो है जहन में रखनी चाहिए मल्टीनेशनल नेशनल इन द फॉर्मल इकानमी कैन लीड टू अफ जॉब इज कम्पेयर वर्कर्स इनक्लूडिंग कैज फोर्स बैन अवी सतह पर यह भी कहा जाता है कि जब इदारे आते हैं इन टू द फॉर्मल इकानमी फार्मल इकानी में ऐसे आ, ऐसे सेक्टर शामिल है जिनके अंदर एक निज़ाम बना हुआ है एक सिस्टम बना हुआ है कूमत उन इदारों को चला रही है अगर वहाँ पर अगर प्राइवेटाइजेसन हो फॉर इन्वेस्टमेंट आए तो अक्सर ये भी दे देखा जाता है कि उन इदारों को फिर ज़्यादा प्रोफिटल बनाने के लिए वहाँ पर वर्कर्स वग़ैरह को वर्कर्स की फोर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है ये भी एक इंसान है अब इसकी वजह से ये होता है कि वो लोग जो आ, उन उनदारों से कारखानों से निकाले जाते हैं वो फिर उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती वो फिर आ, डेली वेजेस के ऊपर अगर मेहनत मज़दूरी करनी शुरू कर दें या उनकी जब आमदनी काम हो रहा है उनको बाकी बेनिफिट्स ना मिलें तो फिर वो ये करते हैं मजबूरी से उनके घर में जो ख़वा भी हैं उनको भी काम करना पड़ता है तो एक तरफ तो लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा औरतों को काम करने का मौका मिल रहा है मगर दूसरी तरफ ये भी एक है कि जी वो औरतें काम जो कर रही हैं वो मजबूरी के तहत कर रही हैं क्योंकि उनके घर के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि उनके घर का निज़ाम ही नहीं चलता तो वो और काम वो कर रहे हैं खुशी से नहीं मगर मजबूरी की वजह से क्योंकि उनके आमदनी के मौके जो हैं वो इतने रिड्यूस हो गए कि जितने लोग काम करेंगे फिर ही घर का जो निज़ाम है वो चल सकेगा तो so ये भी एक इंसान है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत से ममालिक में देखा गया है इट हैजेड टू दिस टाइप ऑफ अ प्रेशर तो फिर उन लोगों के बारे में क्या करना चाहिए दैट इज समिंग दैट फॉर इन्वेस्टर्स हैव टू थिंक अबाउट एंड दैट इज समिंग दट दैट गवर्नमेंट फंक्शन अबाउट एंड इज वाई इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग इन ऑल्सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ डीलिंग टाइप्स ऑफ पीपल टू सेट अप ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटीज कि ये लोग फिर कहाँ जाएंगे ये लोग क्या करेंगे तो ये इश्यूज हैं ये कंसर्न्स हैं विच हैव टू बी कैप्टन माइंड पोअर पीपल कैन नॉट अपग्रेड द स्किल्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग इन एन इनक्रीजिंगलीफिस्टिकेटेड मार्केट प्लेस फिर एक और मसला ये कि जो गरीब इंसान है ज्यादातर उसके पास लिटरेसी नहीं है ज्यादातर उसके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है और जब बैनवामी सतह और बैन अवी नौत का काम हो रहा हो तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक गरीब बंदे को फटे हुए कपड़ों के साथ जिसको अलवे भी लिखना नहीं आता उसको आप एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के आगे खड़ा नहीं कर सकते वो एक ऐसे मैार की चीज नहीं बना सकता जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल इन्वालमेंट भी हो जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी उसको आता आना लाजमी हो वो तो कैपेसिटेटेड ही नहीं है उसके पास तो वो स्किल ही नहीं है कि वो इस तरह की सोफिस्टिकेटेड चीज को ऑपरेट कर सके सो so, गरीब बंदा जो है उसको बैनवामी अगर इन्वेस्टमेंट के जरिए कोई काम हो भी रहा है उसमें जगह ही नहीं मिल सकती क्वालिफिकेशन ही नहीं है ये भी एक इंसान है वेन इट कम्स टू हाउ फॉरन इन्वेस्टमेंट कैन एंड शुड अड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी एंड मेक पोअर कंट्रीज मॉर इकनिकली प्रस्परसो so, ये कंसर्न हैंशूज हैं अब इनके लिए तजावीज भी हैं तरीके भी हैं बट इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि जी कम अज़ कम इशूज़ क्या हैं जो फॉरन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सोचने चाहिए बेन वी आर ट्राइंग टू सी के एक, एक अमीर मुल्क से पैसा आ रहा है इन टू अ पोर कंट्री तो उसके असरात जो हैं उनको गेज करने के लिए हमारे पास क्या इंडिकेटर्स होने चाहिए

गरीब लोगों के लिए वो कैसे एक पॉजिटिव फीचर बन सकता इफ वर मल्टी प्रोवाइड ट्रेनिंग विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेनी मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स कुड एंटर द फॉर्मल इकोमी एंड बूस्ट देयर इनकम्स। अब एक तरीका तो ये है कि अब जब सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात की जाती है बैन अवी इदारे बिग बिजनेस को कहते हैं कि जी हम आपको इंक्रेज कर रहे हैं प्रोमोट कर रहे हैं और आप गरीब मुमालिक में जाए तो उनको एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी जो है वो भी उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है आपका मकसद इन गरीब मुमालिक के को आ, मदद करना भी आपका मकसद है तो उस सिलसिले में एक ये कहा तजवीज़ दी जाती है कि अगर इन फॉर्मल सेक्टर जहाँ पर कोई फॉर्मल इदारे वगैरह नहीं हैं छोटे मोटे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं अगर मल्टी ये जिम्मेदारी ले लें कि जी उन लोगों को वो अगर अपनी वर्कफोर्स में शामिल करने का तहिया कर लें और उनको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें कि उनकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड हो जाए कि वो वाकई उनके सोफिसटिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस को हैंडल कर सकें तो उससे बहुत से गरीब लोग जो इन सेक्टर में हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे अपग्रेड हो जाएंगी उनकी स्किल्स और अपग्रेड स्किल्स होकर वो एक्चुअली काम ऐसा करेंगे कि उनको फिर आ, उनको आ, उनकी रोज़ी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी दे विल बी गेटिंग मोर इनकम द इनकम्स विल इम्प्रूव सो दिस इज़ वन सजेशन फॉर द मल्टी नेशनल्स टू बिल्ड द कपेसिटी ऑफ द वर्क फॉर्स ऑफ पोर कंट्रीज ना दिस इज़ ट्रिकी इट्स डिफिकल्ट टू डू एंड इसके अंदर फिर मल्टी नेशनल्स को बहुत एफेक्ट करना पड़ता है सो ऑब्वियसली वहाँ पर रिलेक्टेंस तो है But this is one way of making foreign investment a better deal for poorer countries. Governments in developing countries need to also upgrade skills and invest in the infrastructure of the informal sector. NGOs are trying to fill this existing gap. multinationals. obviously, multinationals are the burden of responsibility इसलिए जो ग़रीब की ममालिककूमतें हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वो भी इन्वेस्ट करें वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को इतना शूर दे सकें कैपेसिटी उनकी इतनी बिल्ड कर सकें कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो वहाँ पर आकर काम करने की सलाइयत हो गरीब लोगों की एंड उन गरीब लोगों की सलायत बिल्ड करने के लिए हकूमतों को भी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए मगर अगर आप मौजूदा हाल में देखें तो इस वक्त बिग बिज़नेस जो है और बिग बिज़नेस के साथ हुकूमतें जो हैं गरीब मुमाले की उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस तरह के इश्यूज़ पर इन ऑर्डर टू इंश्योर देट फॉरन इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर पोर पॉर फ्रेंडली दे विल नीड टू इन्वेस्ट मच मोर इन इन द इंफॉर्मल सेक्टर इन हेल्पिंग फॉर पीपल हैव दपेसिटी टू अवेल द अपरचुनिटी बींग प्रोवाइडेड बाई फॉरन इन्वेस्टमेंट इस वक्त बनस्पता एन जी ओज जो हैं वो इस तरह के इशूज को फ्राम टाइम टू टाइम हाईलाइट करती हैं बट इस एन जी ओज जो हैं उनका स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज मच स्मॉलर अब जो एक स्टेट के वसाइल हैं और जो स्टेट की अथॉरिटी और स्टेट की कपेसिटी है वो ऑबियसली इज मच मोर दैन Any non government organization. It is uh, also the responsibility, therefore, of the NGOs being involved with the government and also then the government negotiating a better deal with foreign investment. And Benul Akwami idare, saying that if they also big business, there issues that focus on the and convince, one, to then possibly we could see the idea of foreign investment becoming much more positive, playing a much more positive role in the world because essentially technology, capacity, and wealth, you know, these are things that are in the hands of big business right now. So we have to take a given situation in international relations and see that stakeholders, kin issues that kaam karay, to we could.

तो आई होप दैट अब आप लोगों को भी एज यू आर लिविंग इन एन इनक्रीजिंग दी ग्लोबलाइज इकानमी आप लोगों को भी ये मल्टी नेशनल एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट्स एंड इसकी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इम्प्लिकेशन हैं उसके बारे में कुछ समझ आई है एंड आप लोग मज़ीद इसके बारे में सोचेंगे एंड आई एट दिस नोट आई कंक्लूड दू सी टाइम खुदा